चलो कहाँ तक हुआ था बेटा? बहुत सेम नेचर के लिए और इलेक्ट्रिक हो गया था। चलो आपने सेम नेचर पॉजिटिव पैरेलल शेड की वजह से फील्ड की वैल्यू आपने डिटरमाइन कर लिया था, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकाल लिया था ड्यू टू क्या, सेम नेचर ऑफ चार्जेस एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, हो गया ना। उनकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पहले हम लोग पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिस्कस कर लिया था ना। तो देखो जो पॉइंट चार्ज की वजह से आप निकाला था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज जो आप लेते हो उससे आर डी चार्ज मतलब फाइंड करना के लिए पोटेंशियल की वैल्यू चार्जेस की वैल्यू हम लोग क्यों लेते थे, तो पॉइंट आपका पी पी पॉइंट का आपको क्या निकालना था, पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमाइन करना होता था। तो सोल्यूशन में क्या होगा बेटा, पोटेंशियल की जो वैल्यू आपकी होती थी फार्मूला में डिस्कस किया गया था, बारह फार्म दो पोटेंशियल के लिए हो जाएगा वन अपॉन फोर का आना क्यू वाई क्या होता था आर, ये कंडीशन जो कि पॉइंट चार्ज आपने देखा था किसकी वजह से, एक बार हम डिवाइड कर लेते आपको पोटेंशियल ड्यू टू क्या पॉइंट चार्ज, इसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर स्टैंड पोटेंशियल की वैल्यू आपने फाइंड किया था, तो वहाँ से रिलेशन मिला था वन अपॉन फोर का आना क्यू वाई क्या था आर के इक्वल होता था, ठीक। दूसरा आपने किसी स्फीयर, अगर कोई चार्ज स्फीयर है, देखो चार्ज स्फीयर की कंडीशन हुई थी या बतानी थी अभी, जल्दी से चेक करिए पोटेंशियल जो दो ये हुआ है क्या क्या, इलेक्ट्रिक इक्विटोरियल और एक्सियल, एक्सियल इक्विटोरियल वो और पॉइंट चार्ज हुआ रहा होगा, तो लिखिए हेडिंग करिए बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हो गया। देखो बेटा अगर वैसे आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे तो अगर उन्होंने डिसाइड कर देते किसी पॉइंट के पोटेंशियल की जो वैल्यू होती थी बोला जाता था दब वक्त टेकिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, दैट मीन्स इनफाइनाइट से अगर वैसे हम लोग निकाल देते बेटा, ठीक है, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट चार्ज को किसको पॉइंट टेस्ट चार्ज को अगर यहाँ से पॉइंट टू नॉट टेस्ट चार्ज है इनफाइनाइट अगर आप इसको शिफ्ट करते हो तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसकी डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से आपका आर है, तो वहाँ पे जो निकालते थे तो हम लोग लिखते थे वी की वैल्यू जो होती थी बेटा डब्ल्यू अपॉन कितना क्यू नॉट के इक्वल होता था, क्या होता था वी की वैल्यू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट से क्या होगा इक्वल होता था, और W की वैल्यू जो हम लोग निकालते थे तो वन अपान कितना पाई एप्सिलॉन नॉट के वन क्यू टू बाई क्यू क्यू नॉट अपान क्या आर, वॉक्डन लेते थे यफ, देखो जब वॉक्डन निकालते थे तो समझ लीजिए पीछे की चीज़ें भी जो फोर्स हम लोग लेते थे पॉइंट चार्ज की वजह से आपने फार्मूला पढ़ा था वन अपान क्यू क्यू नॉट अपान कितना आर स्क्वायर, और जब वॉक्डन आप करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू होता है या फिर टू नहीं है, ठीक, इसकी वैल्यू हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं की वैल्यू वन अपान पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू क्यू नॉट अपान कितना आर स्क्वायर इनको इसको डी आर कर लेते हैं, पोजीशन मान लो हमारा कितना है डी आर है, तो ये सोल्यूशन आपका होगा डी डब्ल्यू अभी ले लेते हैं, डी डब्ल्यू की वैल्यू जो होगी इंटू डी आर, डब्ल्यू निकालोगे तो इंटीग्रेशन होगा क्योंकि ये फैक्टर तो हमारा क्या होता था कॉन्स्टेंट होता था, ये आर स्क्वायर फैक्टर ये फैक्टर हमारा क्या होता था कॉन्स्टेंट होता था, जो कॉन्स्टेंट फैक्टर का हम लोग अलग कर लेते क्यू क्यू नॉट अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, तो ये आर कहाँ पर चला जाएगा ऊपर शिफ्ट करोगे तो आर की पावर कितना होगा माइनस टू इंटू डी आर, माइनस टू इंटू कितना हो जाएगा डी आर के बराबर होगा। अब इस केस में जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसे क्या करेंगे आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे इसके पावर पे एक ऐड हो जाता है, जो पावर आता है उसे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, पावर में एक ऐड हो जाएगा पावर से हम लोग क्या कर लेंगे जो रिजल्टेंट पावर बचेगा उससे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, यही करते थे ना, और जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो
पावर मल्टीप्लाई हो जाता था आगे और पावर में एक माइनस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पावर में थ्री प्लस वन ऐड करोगे तो माइनस टू प्लस वन बचेगा कितना, माइनस वन। ठीक, तो ये हो जाएगा डब्लू की वैल्यू जीरो को मान हमने आग ले लिया, क्यू इंटू क्यू ना का पाँच दो पाई एप्सिलॉन ना। ठीक, ये हो जाएगा कितना आर की पावर माइनस वन पावर माइनस हो गया ना। इसको फिर हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं कहाँ पे, नीचे। ठीक, इसको क्या कर लेंगे आप, नीचे शिफ्ट कर लेंगे, नीचे शिफ्ट करेंगे तो डब्लू की वैल्यू हो जाएगी माई पावर माइनस वन है बाई में आएगा क्या आ जाएगा प्लस वन हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी वन पान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बचा क्या क्यू इंटू क्यू नॉट अपान कितना आर। साइन को आप ले रहे हैं हम लोग कहाँ से, इनफाइनाइट से, जैसे जीरो को आ गया इनफाइनाइट से, अगर आप आर ले आ रहे हो कहाँ से कहाँ आ रहे हो, इनफाइनाइट से आ। एक बार इसकी वैल्यू रख लीजिए क्यू इंटू क्यू नॉट की लिमिट आप क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे कितना इनफाइनाइट हुआ, एक बार वन अपान माइनस आर हो रहा है यहाँ पर लिमिट आप ले जाओ कितना इन्फिनिटी टू आर। एक बार अपर लिमिट माइनस क्या करते हैं आप लोअर लिमिट वैल्यू कर लेंगे डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू क्यू नॉट अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपान कितना माइनस आर माइनस वन अपान इनफाइनाइट, अब वन अपान इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है वन बाई इनफाइनाइट, अरे यार इनफाइनाइट से किसी भी क्वांटिटी डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जीरो मिल जाती है, जीरो हो जाएगा तो वैल्यू आपकी डब्ल्यू की होगी क्यू क्यू नॉट क्या इसको सेपरेट कर दो वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फाइनल करके क्यू क्यू नॉट अपान कितना आर के बराबर। तो जब बी निकालेंगे बी करके डब्ल्यू बाई क्या होता है क्यू नॉट होगा, डब्ल्यू की वैल्यू रख दो वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान कितना आर अपान क्यू नॉट, क्यू नॉट का नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल तो वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या आ जाएगा आर के बराबर आ जाएगा। ठीक, फिलहाल फोर पॉइंट ऑफ व्यू से था, हमें जो करना है हम यहाँ पर डायरेक्ट रखेंगे, अगर लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज आप क्या करिएगा डायरेक्ट आप रख सकते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट रखेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू आपका हो जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान कितना आर अपान क्यू नॉट, और क्यू नॉट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो ये हो गया वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर कटा अपान क्यू नॉट, ये क्यू नॉट क्या होगा कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो किसी पॉइंट से आज करें तो वैसे जब हम लोग बोर्ड पॉइंट आप डिस्क्राइब करते हैं आपको डेरिवेशन बताया जाता है तो इस तरह से आपका होता है। ठीक, फिलहाल यहाँ की उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हटा ले सको बोर्ड में जब पढ़े होंगे तो उसके इसमें आपको ट्राई कराया जाएगा क्योंकि वहाँ पर डेरिवेशन बोर्ड में आपको पूछे जाते हैं। बाकी छुट्टी कहाँ चले गए बेटा, आज स्कूलों में छुट्टी है नहीं गेस्ट की छुट्टी है, यही तो प्रॉब्लम है। जिस तरह से बच्चे नहीं आना चाहते उस तरह से ये लोग भी नहीं खोलना चाहते ओपन में, तो दोनों की वही कहानी है ना, वो कहते हैं तालियां एक हाथ से थोड़ी बजती है। अब रिपोर्ट जाएगा कि आधे दिन से लोग पहुंचे थे छुट्टी के दिन खुला हुआ था तो क्या होगा फिर, वो लोग चाहते भी थे बैठे बैठे हो गया। ये हम लोग फाइंड कर लेते किसी वजह से पॉइंट हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक, इसी तरह से जो हम लोग किसी स्फीयर चार्ज स्फीयर की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू लिख लीजिए करेंगे, ये समझ गए ना, लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बेटा कंडक्टिंग होगा तो कल आपको जैसे फील्ड के लिए बताया गया था, फील्ड जिस तरह से हमारा क्या होता था अगर कंडक्टिंग है तो ये साइड फील्ड की वैल्यू जीरो मिलती थी। ठीक, सेंटर से लेके कहाँ तक सरफेस तक फील्ड की वैल्यू क्या थी आपकी जीरो थी, जब सरफेस पे आपको फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम
और सत्तर से आवे हम मूव करते तो फील्ड की वैल्यू फिर अगेन क्या होता था, रिड्यूस होता था आर स्क्वायर के इनवर्स के प्रोपोर्शन। एक चीज़ आप थोड़ा सा पीछे बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट, सो लीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ते थे बताइए इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन क्या डी आर, उसे कहते थे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उसी इक्वेशन को यूज़ करके यानी कि क्या चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस यानी पोजिशन, ठीक है, इज नोन एज क्या निगेटिव रेट कहते हैं, निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन इज कॉल्ड क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते थे। दैट मीन्स ऐसे समझ लो किसी भी मेटर चार्ज से अगर आप अवे मूव करेंगे, कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर आप उससे क्या अवे मूव करते हैं तो जब अवे मूव करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू रिड्यूस करती है। जब भी आप किसी भी कोई भी सोर्स से कोई चार्ज जहाँ से पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उससे आप दूर जाओगे, कहाँ जाएंगे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू ऑलवेज क्या करेगा घटती है घटता है रिड्यूस करता है। जब भी आप अवे जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगा रिड्यूस करते हैं दूर जाने से, अब दूर जाने से पोटेंशियल की वैल्यू आपकी घट रही है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है घट रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो उस केस में उसी को हम बोल लेते हैं निगेटिव क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज कॉल्ड क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ई की वैल्यू जब इतनी होता माइनस डी वी अपॉन डी आर है, इसी को यूज़ करके इसी क्वेश्चन को यूज़ करके हम लोग पोटेंशियल वगैरह डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इसी के बेस पे क्या करेंगे हम लोग पोटेंशियल की वैल्यू डिस्कस करेंगे। अब देखो जब हम लोग पीछे चूंकि ऑलरेडी डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिफरेंट पॉइंट्स पे पोटेंशियल हम लोग फील्ड क्या पर किसी चार्ज कंडक्टर की वजह से क्या किए हैं पढ़ चुके हैं, उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं, ठीक। अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज में क्या कंडक्टिंग कंडक्टिंग स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर, अगर कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हॉलो हो या सॉलिड हॉलो हो या क्या हो सॉलिड है, दोनों केसेस के लिए हमारा रिजल्ट सेम से मिलता है। बट जब नॉन कंडक्टिंग होगा तो उस कंडीशन में हमारा हॉलो के लिए अलग होने का और सॉलिड के लिए अलग बनता है, तो फिलहाल हमें कंडक्टिंग पे ही पुटअप होता है। तो यहाँ देखोगे सपोज एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक, रेडियस ऑफ कैपिटल आर ले लो और चार्ज प्रोवाइडेड आपका टोटल क्यू है, चार्ज कितना प्रोवाइड किया आपको क्यू चार्ज को दिया गया, ठीक। अब अगर हम लोग इससे दो तीन पोजीशन जैसे वहाँ पे निकालते थे वैसे यहाँ पे निकालेंगे आउटसाइड सरफेस एंड इनसाइड, आउटसाइड पॉइंट सरफेस पॉइंट एंड क्या इनसाइड पॉइंट, तो तीन पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल की वैल्यू क्या करते हैं आउटसाइड सरफेस साइड का इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ठीक। आउटर पॉइंट सपोज दैट ए ले लिया, सरफेस पॉइंट हमने बी ले लिया और इनसाइड पॉइंट सी, पोटेंशियल और फील्ड यही पे आउटर का तो जो रिलेशन हम लोग जनरल केस में पढ़ेंगे और सरफेस के लिए वैसा ही मिलेगा, बट इनसाइड फील्ड जीरो मिलता था, अभी इनसाइड फील्ड क्या मिलता था बेटा जीरो मिलता था, बट इस केस में आपका फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग इनसाइड जब लेते थे तो फील्ड की वैल्यू क्या होती थी जीरो होती थी, बट इस कंडीशन में आपका फील्ड की वैल्यू जो होगा इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल जब निकालेंगे तब उस कंडीशन में पोटेंशियल कॉन्स्टेंट मिलता है सेंटर से लेके कहाँ तक सरफेस तक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो आपकी कांस्टेंट रहती है फ्रॉम सेंटर टू सरफेस पोटेंशियल विल बी रिमेंस क्या कांस्टेंट, ठीक। अब कैसे आप डिटरमाइन कर लो देखो हम लोगों ने आउटसाइड के लिए ठीक इज इक्वल टू होता माइनस डी वी अपॉन कितना बी आर, यहाँ से डी वी की वैल्यू निकालोगे माइनस माइनस उधर ले लेंगे ए इंटू कितना हो जाएगा डी आर के बराबर हो जाएगा ए इंटू डी आर के बराबर, ठीक। अब कंडीशन क्या हो रहा है आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है बेटा किसका पोटेंशियल ई की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सरफेस, ठीक है, और इनसाइड के लिए आप ऑलरेडी क्या कल आपको बतवासों बताया गया था, ठीक। अब एक एक लोग बता दो आप बता दो बेटा आउटसाइड पॉइंट के लिए फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज टोटल क्यों दिया गया है रेडियस आपका क्या है
आउटसाइड पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आ रहा है, तो फील्ड के लिए फार्मूला क्या पड़ा था? इसी चार्ज स्पेयर की वजह से, चार्ज करने की स्पेयर की वजह से आर डिस्टेंस पर फील्ड का फार्मूला क्या होगा? आर डिस्टेंस पर फील्ड का फार्मूला क्या होगा? ठीक है, किसी किसके वजह से? कंडक्टिंग स्पेयर की वजह से। बताओ, कंडक्टिंग स्पेयर है और डिस्टेंस पे फार्मूला क्या आया था? याद करना पड़ेगा भाई। हाँ जी, खड़े हो जाओ। जी क्यों भाई? आर स्क्वायर। ठीक, आप सही बताए इन्होंने। बैठिए, देखो होता क्या बेटा, यहाँ पे जब हम लोग आउटसाइड पॉइंट के लिए आया था, थोड़ा सा घर पे जब जो चीज़ें पढ़ा दीजिए बेटा, उसको मेंटेन रखना आपका काम है। ठीक है, अगर आप नहीं घर पे जाके रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आएगा बताओ? अगर अभी पढ़े हो और अभी आप में उसको तैयार नहीं कर लेंगे, तो बाद में फिर टाइम इतना सिलेबस होता कि नहीं रहता कि आप एक महीने में मेहनत करके कर सकते हैं। जैसे जब आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम देते थे ना, अगर बच्चा मान लीजिए बहुत नहीं पहले पढ़ा है, एक दो महीने लास्ट में मेहनत कर लिया, तो अच्छे क्या परसेंटेज आ जाते थे। जब ट्वेल्थ में आप होते, तो भी दो तीन महीना बच्चा अगर मेहनत से पढ़ लिया, तो भी उसको 60-65-70% तक पहुँच जाता है आज की डेट में। ठीक, लेकिन आपको कंपटीशन के लिए साल भर मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तब जाके कहीं क्या कुछ आउटपुट नज़र आता है। ठीक, और अगर आप चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, तो फिर जहाँ थे वहीं रह जाएंगे आप। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को ये नहीं कि अभी एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक, वो कहानियाँ बहुत लोअर क्लासेस के लिए अप्लीकेबल। अच्छा, ये एग्ज़ाम में एक महीना खुद जी जान लगा देंगे और रट के जाएंगे, यहाँ रटने से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए घर पर जाइए और उसको जो पढ़ा दिया जाए, कोई भी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं खाली फिजिक्स ही नहीं, जो भी सब्जेक्ट आपके फेस केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके हैं, ठीक, उसको पढ़िए और फिर उस पर क्वेश्चन करिए। सबसे कंपलसरी है क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर आपके आते हुए भी चीज़ें क्या एग्ज़ाम में आप सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखो बेटा, तो कंडीशन होगा आउटसाइड के लिए हम लोगों ने फील्ड का लिखा था, फार आउटसाइड का भी या फार आउट का पॉइंट। जब आउट का पॉइंट ले लिए, ये आउटसाइड के लिए फार्मूला लिखा था 1/4 आर ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर। क्या ये तब के लिए आउट नहीं लिखते थे, फार आउट का पॉइंट हमारा आर ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर। उस कंडीशन में आपका रिलेशन ये आता था, ई आउट साइड के लिए 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई क्या करता था आर स्क्वायर। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल आउट साइड निकालना है। ठीक, तो पोटेंशियल जब निकालेंगे, तो पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को पिक्चर रख के क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ठीक, अब यहाँ से डिटरमाइन कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा बेटा, ई की वैल्यू उसके हिसाब का होगा, ए होगा डी वी आउटसाइड इक्वल टू कितना होगा, माइनस ई आउटसाइड इंटू डी आर के बराबर, वो बार आउटसाइड पे वो का मतलब होगा आउटर पॉइंट पे ले रहे हैं। तो ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा, पी की वैल्यू पर पुट कर दो, तो डी वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई की वैल्यू है 1/4 कितना, क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर, जैसे अभी इंडिकेटर भी आपको बताया था कि वही चीज़ हमें यहाँ पे कर लेनी है। ठीक है, तो कंडीशन कितना होगा, देखो जो कॉन्स्टेंट फैक्टर है उसे आप बाहर ले लो, तो हमारा कॉन्स्टेंट फैक्टर क्या आएगा, माइनस क्यू अपान 4π0 इंटू आर इंटू एफरा नॉट आर डी आर अपान आर, डी आर अपान क्या आर स्क्वायर हुआ, ये डी वी नॉट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है डी वी नॉट की वैल्यू। ठीक, तो हम अगर बी नॉट करेंगे, क्या करेंगे बी नॉट करेंगे, जिसे आप क्या करेंगे इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे बी नॉट की वैल्यू निकालेंगे, तो ये होगा इंटीग्रेशन माइनस क्यू अपान 4π0 डी आर, ये इसको ऊपर से कर ले रहे हैं, देखा आर के पावर माइनस टू इंटू डी आर, आर के पावर माइनस टू इंटू डी आर, ये आपको जब बार बार आप करेंगे आपको याद रहेगा। ठीक है, 1/r² इंटू डी आर का जो इंटीग्रेशन आता है माइनस 1/r² कितना आता है
माइनस वन अपॉन आर। सवाल आपको करने की आपको नहीं है कि अभी आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम को, तो यहाँ से रखेंगे जो फैक्टर बाहर जो जो कॉन्स्टेंट उससे बाहर कर लिया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन आर, ये बाहर हो गया इंटीग्रेशन आर स्क्वायर आर के पावर माइनस वन इनटू डीआर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में एक ऐड होगा और जो आएगा रिजल्टेंट उससे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो बैलेंस हो गया बेटा माइनस क्यू अपॉन कितना फोर पाई एप्सिलॉन आर। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा बेटा आर के पावर माइनस वन अपॉन कितना माइनस वन, ठीक माइनस पहले जो साइन है वो हम ले लेंगे। अब ये जब वार के पावर माइनस वन अपॉन क्या हो गया वन कंडीशन, चूंकि हमारी जो वैल्यू है जीरो से आर तक की हमें ले जाना है कंडीशन पे निकालना था, तो ये आएगा आर कहाँ पे अंतर आएगा नीचे आ जाएगा तो माइनस वन बाई क्या हो जाएगा आर के बराबर। अब माइनस आने के लिए हमारा पहले से क्या है परजेंट है, तो पी ओ की पैरों से निकालेंगे बेटा ये हो जाएगा पी ओ इक्वल टू क्यू अपॉन आर से आर जो पाए अंतराना ठीक माइनस ये पहले था और माइनस वन अपान आर ये हो गया बाद में माइनस माइनस प्लस अब सीधे हम अरेंज कर लेते हैं वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन आर क्यू अपान कितना बेटा क्यू अपान कितना हो गया आर के बराबर हो गया ठीक। ये आप लिमिट लेना चाहेंगे जीरो टू आर जहाँ पे दिखा रहे हैं वो कंडीशन आपका हो गया वहाँ से वैल्यू आपके आगे वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर। किसके लिए है ये आउटसाइड पॉइंट के लिए, यानी कि आउटसाइड पॉइंट के लिए बी आउटर इमर्जिंग प्रोपोर्शन टू किसके हो गया आर के हो गया ठीक। नोट कर लीजिए हम फिर यहाँ की बात से नहीं समझ पाते हम आगे साल भी नहीं कर पाते इंटीग्रेशन करके कैसे वहाँ किया इंटीग्रेशन कैसे हो गया जैसे ये लिखते हैं ना वो वहाँ नहीं लिखते यहाँ और नीचे और नीचे आज जीरो से अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक बार आप पूरा जैसे अपर अपर आर हुआ अपर लिमिट आर है तो इसके लिए हम आर रखा तो आर ही रह गया लोअर लिमिट जीरो है तो जीरो की वैल्यू क्या हो गया जीरो ही रह गया तो वहाँ कोई क्या अफेक्ट नहीं हुआ है। ओके बेटा या आप उल्टा कह सकते हो क्योंकि हम लोग दूसरा कर लेते हैं फाइनाइट के रिस्पेक्ट में दे देते हैं तो वहाँ से निकाल लेते हैं वहाँ पे करना चाहेंगे तो कर सकते हैं ठीक हो गया। चलिए नोट कर लिए बेटा कर रहे हो यहाँ बल्कि हम लोग पोटेंशियल जो डिस्क्राइब करते हैं इनफाइनाइट से पॉइंट तक आने के लिए दस चीज़ें नोट करते हैं तो जहाँ अगर रखना चाहेंगे आप इसको इनफाइनाइट में क्या करिएगा रख सकते हैं आर रखा लीजिएगा तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आर रखा तो आर ही रह गया इनफाइनाइट रखा तो इनफाइनाइट से डिवाइड किया तो जीरो हो गया ठीक सर जी। इस लाइन के बाद कैसे साबित होते हैं यहाँ के बाद इनफाइनाइट चूँकि हम लोग जो डिफाइन करते हैं उसकी बेहतर यहाँ पे क्या करोगे ना जैसे इसकी जगह पे एक बार ये रख दीजिए और इसकी जगह पे एक बार इसको रख दीजिए ठीक। तो इसको जब रखोगे तो माइनस वन अपान आर माइनस ठीक वन अपान कितना इनफाइन तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा बचा हमारा माइनस वन अपान आर और बाहर हमारा ऑलरेडी क्यू अब माइनस क्यू अपान फोर पाइव सेवन आठ है उससे बड़ा कहीं माइनस वन प्लस ठीक है जी सर। ओके बेटा कर लिया आप जैसे आप सर्फेस पॉइंट यही लिख देते हैं सरफेस पॉइंट के जब आप लेंगे किसके लिए लेंगे सरफेस पॉइंट के लिए लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो बी सरफेस जब आप निकालोगे वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन आर क्यू अपान कितना कैपिटल आर के बराबर क्यू बाई कैपिटल आर के बराबर हो गया। हो जाएगा सरफेस पे दिखा दिया
जैसे सरफेस फील्ड निकालते समय केवल हम लोगों ने वैल्यू पुट कर लिया था, वैसे आपका यहाँ पर हो जाएगा। जल्दी करिए, सरकार पैसा जो टैक्स हम लोग देते तब पैसा से भी रिकॉर्ड में थे। अरे उनका पैसा बहुत पैसा पा पाएंगे। इसके पहले क्लास चलता हुआ इसमें ना तू स्कूल आ गया तो मलिक चिकित्सा सरफेस हो गया था, इन साइड के लिए आपको करना है पार इन साइड पढ़िए। Yeah.
ठीक है चलो चलो बेटा फारे साइड साइड इनसाइड पॉइंट के लिए आप आपका हो गया। इनसाइड के लिए क्या करेंगे आप? अगर इनसाइड पॉइंट आपका है तो इनसाइड के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ से E इक्वल टू होगा E इनकी वैल्यू आएगी कितना माइनस डी बी अपॉन डी आर। बोला था जाते बेटा अंदर फील्ड की वैल्यू क्या होती थी? जीरो। इनसाइड जब फील्ड की वैल्यू होती थी कितना होता था आपका? जीरो होता था। जब अंदर जीरो है तो वैल्यू हमारा कितना होता है? इक्वल टू जीरो। तो यानी कि माइनस डी बी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से डी आर पर निकलेगा तभी जीरो। अगर किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशियल जीरो है बेटा तो वो वैल्यू हमारा क्या माना जाता है? कॉन्स्टेंट माना जाता है। तो बी की जो वैल्यू आएगी वो बी सर्कल से क्या हो जाएगा? बराबर होगा। अब बी सर्कल से जो हमने फॉर्मूला लिखा है तो बी इन साइड की जो वैल्यू होती है बी इन की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कितना? क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो इन साइड पॉइंट के लिए जो फील्ड की वैल्यू है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या हो जाएगा? कैपिटल आर के आपका इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि नेट आपका पोटेंशियल जो आपका होगा इन साइड क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा और आउटसाइड क्या होगा। ठीक। क्लियर करता। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ लिखा जाता है, जो ग्राफ अगर आप निकालेंगे ठीक बी और आर के बीच, जैसे हम बोलते हैं ई और आर के बीच ड्रा किया था, तो ई और आर के बीच जब ड्रा करते थे तो उस केस में अगर कंडक्टिंग स्फीयर होता था तो सरफेस का फील्ड की वैल्यू जीरो होती थी। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सरफेस का क्या होता था? फील्ड की वैल्यू जीरो होती थी। ठीक। और जब नॉन कंडक्टिंग लेते थे तो सेंटर से लेकर सरफेस तक आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के लिए जब बात किया था, यहाँ पे कंडीशन क्या होता है हमारा? कैसा पोटेंशियल है? पोटेंशियल के वैल्यू बेटा देखो अंदर जीरो है क्या? इनसाइड जीरो है? नहीं है, कांस्टेंट है। क्या है आपका? कांस्टेंट है। और उतना ही है जितना किस पे? कैपिटल आर सरफेस पे। सरफेस जितना क्या होगा आपका? सरफेस पे होगा, उसी के बराबर होगा। तो कंडीशन क्या होगा, हम लोग जब यहाँ से ग्राफ ड्रा करेंगे ना तो सेंटर से लेके और सरफेस तक यानी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर इक्वल होगा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू आपकी कॉन्स्टेंट है। सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी आपकी? कॉन्स्टेंट रहेगी। और उसके बाद फिर हमारा पोटेंशियल क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अब एक चीज़ कभी कभी कंपेयर करने के लिए पूछ लेता है, ऐसे पैरेलल जो ग्राफ दे देंगे वहाँ से बोलेगा वन इज द फॉर क्या फील्ड एंड अदर फॉर पोटेंशियल, देन विच ग्राफ रिप्रेजेंट द फील्ड एंड विच ग्राफ रिप्रेजेंट द पोटेंशियल। मतलब दोनों को जैसे ए बी करके बना देंगे पेयर में। ठीक। अब उस केस में आपको कंपेयर करना होता कौन सा फील्ड के लिए बेटा, कौन सा पोटेंशियल के लिए। ठीक। उस कंडीशन में क्या रहेगा? अरे ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम लोग फील्ड का जो ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पे कर्वेचर है, स्लोप ज्यादा रहेगा क्योंकि आर स्क्वायर की वजह से फंक्शनल, यहाँ पे क्या है आर की वजह से स्लोप होता है। तो यहाँ से जो कंडीशन आपकी बनेगी वो समथिंग दिस बनेगी। ठीक, समझ गया। तो यहाँ पे हो गया ई की वैल्यू, यहाँ बी की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गया और यहाँ पे बी की वैल्यू कितना कॉन्स्टेंट है, वही सरफेस के किसके बराबर होगा? बी सरफेस के बराबर होगा। यहाँ से जब आप करेंगे तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? आर। बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? आर के होगा। तो बी यहाँ पे आर के इनवर्सली क्या होगा? प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर लीजिए। सॉलिड की जब ग्राफ बनाएंगे तो वेरिएबल वहाँ पे आता है, फिर आपका सॉलिड बहुत ज़्यादा नहीं आपके उसमें है। ठीक है, हो गया।
ये केस आपका होता है बेटा, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, उसके बेस पर आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, पोटेंशियल क्या होगा वहाँ से हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, कर लेंगे हम। तो ये किसी स्फीयर की वजह से हमारा पोटेंशियल की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, इसके बेस पे आप निकाल लेंगे। ठीक है, चार्ज स्फीयर है उसकी वजह से डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे पोटेंशियल क्या होंगे, उसके बेस पे यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आप करेंगे, लिखिए पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। कॉन्सेंट्रिक का मतलब आसपास नहीं, जिनके सेंटर कॉमन हो, कॉन्सेंट्रिक CONCENTRIC कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। अगर दो हमारे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है बेटा, सेंटर सेम हो, ठीक है, दोनों का कॉमन सेंटर हो, क्या है, सेंटर कॉमन है, ठीक है, उनको चार्ज दिया गया है, क्या किया गया उनको चार्ज दिया गया है, तो उस कंडीशन में पूछा जाता है कि पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट जो पॉइंट्स होंगे एक के सरफेस पे क्या होगा, दूसरे के सरफेस पे क्या होगा। तो लिखिएगा, ठीक है, एक पे Q1 हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे पे क्या कर रहे हैं हम लोग Q2 चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक की रेडियस आपने R1 लिया, दूसरी की रेडियस आपने R2 लिया। ठीक, अब कंडीशन क्या होगा बना लीजिए, छुट्टी के दिन जब आप जैसे क्लास है, ठीक, तो थोड़ी सी आप लोग की रिस्पांसिबिलिटी है, आप लोग यहाँ से निकलते समय साथ में निकलेंगे गेट तक। यस, ठीक, गेट तक यहाँ से निकलते समय आप साथ में सभी लोग जाएंगे, ठीक है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक, क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि ये बहुत कंडीशन आप यहाँ के जानते हैं, ठीक है, तो बड़ी रिस्पांसिबिलिटी पे लोगों ने इस आज के दिन पे ऑन करवाया है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होने पे तो सिस्टम जो है अभ्योदय उसके लिए रिस्पांसिबल होगा। ठीक, तो इसलिए जनरली इसीलिए छुट्टियों के दिन पे छुट्टी रहती है, और यहाँ पे छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं, वो तो सेकेंडरी फैक्टर है कॉलेज का वो है। ठीक, लेकिन जैसे अभी अभ्योदय की तरफ से खुलवाया गया है, तो आज की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, अभ्योदय की है और हम सब की है। ठीक, तो उस कंडीशन में जो है आप लोग जब निकलेंगे तो एक साथ ग्रुप में निकल जाएंगे। ठीक, जी, ऐसा नहीं इंडिविजुअल यहाँ कोई रुका हुआ है फिर जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं यहाँ का कंडीशन रहता है। ठीक है, तो आप लोग आगे निकल जाएंगे, साइकिलें कहाँ खड़ा किए हैं उधर है ना, हाँ, तो आपको साथ में गेट से निकल जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्योंकि ये पीछे बैक साइड खुला है, मेन ड्राबैक यहाँ की यही है कि पीछे साइड क्या हुआ है, खुला हुआ है, तो जो भी मतलब अराजक लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, कॉलेज रहता है थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो थोड़ा सा वो रहता है, कॉलेज नहीं है तो सारी आप ही लोगों की और हम लोगों की जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग खुद ऐसी चीज़ों से अगर कोई बाइक में जाते समय कुछ बोल भी देता तो अवॉइड करके आप चले जाइए, वहाँ नहीं हमसे बोल कैसे दिया। ठीक, क्योंकि ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो लोग यहाँ आज की डेट में घूम रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं होंगे भाई, अगर आप छुट्टी है कॉलेज नहीं है अननेसेसरी कोई यहाँ पर घूम रहे हैं तो बहुत अच्छे उसका होगा तो वो आएगा नहीं,
जैसे आपको पढ़ना ना हो तो आप आज यहाँ पर आओगे, कोई बात ही नहीं उठती है यार। हम लोग यहाँ 2005 से बस्ती में हैं, जब यहाँ पे शुरू हुआ है तब से आना यहाँ पे शुरू किए। उसके पहले एक बार एक बच्चे एक रिलेटिव थे, उनका बच्ची थी, उसका एडमिशन था, तो वो गए सर चले चलिए साथ में, तो जानने वाले कुछ यहाँ पे प्रोफेसर हैं पहले से, तो आए थे उनके थ्रू मिलने के लिए। बाकी अभी तक इतने सालों में मैंने APN में दर्शन नहीं किया था गेट के अंदर, ठीक है, जब से क्लासेस शुरू हुई हैं तब, ठीक। ऐसे KDC में एक दो बार गए हुए हैं किसी के एडमिशन या कुछ किसी से मिलने के चक्कर में जो है, बस वहाँ पे भी लोग हैं तो जब कोई बोल देता है तो फिर जाना पड़ता है, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो फिलहाल अगर आपको कोई वो नहीं है तो आप यहाँ फालतू नहीं आएंगे, और फालतू आज के डेट में आ रहा है प्लेट में सो, ठीक है, घुमक्कड़ ही होंगे, और घुमक्कड़ कई टाइप के होते हैं, ठीक, इसलिए आप अपनी सेफ्टी सेफ रखेंगे। चलो देखो हो गया बेटा, तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो गया, लिखिएगा, कंसिडर टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैविंग रेडियस क्या है, आर1 एंड आर2 लिखेंगे। आर टू यहाँ ब्रैकेट ले लो, ग्रेटर देन कितना है आर वन एंड चार्जेस गिवन टू द स्पेयर्स आर Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। चार्जेस जो दिए गए हैं बेटा वो कितने दिए गए हैं, Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, ठीक, लिखिएगा। देन पोटेंशियल्स एट द सरफेस ऑफ स्फीयर्स आर गिवन एज, देखो बेटा पहले लिखेंगे एट सरफेस ऑफ इनर सेल या इनर स्फीयर, हाफ स्फीयर को सेल भी बोल देते बेटा, ठीक है, इन वन हाफ स्फीयर को आल्सो नोन एज सेल, ठीक, उसे हम लोग सेल भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में जब आप दिखाएंगे ना तो पोटेंशियल जो होगा वहाँ पर आपने V1 लिया, आउटर स्फीयर में सरफेस से V2 लिया, ठीक, तो अंदर वाले जो स्फीयर है उसके जो V1 की वैल्यू होगी इनर स्फीयर के सरफेस पे जो आपका होगा, देखो इससे चार्ज कितना दिया गया है Q1, चार्ज कितना है Q1 है, रेडियस कितना है R1, इस पर चार्ज कितना है Q2 है, रेडियस कितना है R2, तो ये हो जाएगा 1/4 कितना 4π εr Q1/4 कितना R1 अपने सेल्फ की वजह से, और ये जो आउटर वाला है ना इस पे जो चार्ज दिया गया इसके लिए इसका सरफेस बेटा इनर पॉइंट का काम करेगा भाई, बाहर वाला जो हमारा स्फीयर है उसके लिए अंदर जितने पॉइंट होंगे वो आएंगे इनर स्फीयर के काम, इनर पॉइंट के काम करेंगे ना इनसाइड का, और इनसाइड के लिए हमने पोटेंशियल का फार्मूला क्या पढ़ा था 1/4 ये सरफेस होता था, तो सरफेस पे इसके लिए कितना हो Q2/8 तो पहले आएंगे कि प्लस दोनों पे चार्जेस सेम लेता है, चार्ज नहीं इंडिकेटेड है इसका मतलब पॉजिटिव लेते हैं, ठीक, तो पहले हो जाएंगे 1/4 4π εr Q2/8 कितना आपसे निकालो हमारा, चलो ठीक कोई बात नहीं, ये हो गया नेट पोटेंशियल इन स्फीयर के सरफेस पे, ठीक है, एंड एट सरफेस ऑफ आउटर सेल ठीक, इसे कर लो स्फीयर, आउटर स्फीयर के सरफेस पे जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो V2 की जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक, ये हो जाएगा बेटा 1/4 4π εr कितना Q1/R, अब सुन लीजिएगा, अब इसके लिए जो इसका सरफेस होगा ना कि आउटर पॉइंट काम करेगा भाई, इसके लिए बाहर है ना तो आउटसाइड के लिए आउटसाइड पॉइंट R2 से लिखते थे Q/R, R वो लिखते थे जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा R2 यहां का डिस्टेंस हमारा R2 के बराबर हो जाएगा
हमारे ये होता है क्यू वन अपान कितना आर टू प्लस वन अपान फोर फाइव एप्सिलॉन आर क्यू टू अपान सबका सही है क्यू टू अपान आर टू यही पे की और हम कर लेंगे अगर इसको हम लोग कॉमन वॉमन कर लें तो देखो यहाँ पे वन अपान फोर फाइव एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा कॉमन ब्रैकेट में आए क्यू वन अपान आर वन प्लस क्यू टू अपान कितना आर टू ये पहले वाले केस में हो जाएगा तो ऐसे कर लो ठीक एक कॉमन हमारा इतना हो गया यहाँ पे देखो हमारा क्या फैक्टर कॉमन हो रहा है वन अपान फोर फाइव एप्सिलॉन आर भी आर टू भी कॉमन है दोनों में आर टू आर टू सेम सेम है तो वैल्यू में जाएंगे क्योंकि वन अपान फोर फाइव एप्सिलॉन आर इनटू आर टू ब्रैकेट में कितना के वन प्लस क्यू ब्रैकेट में कितना हो जाएगा बेटा के वन प्लस क्यू टू क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा ठीक है Q1 प्लस क्या हो जाएगा Q2 के बराबर हो जाएगा हो गया सर आगे हैं तो रहने दें चलिए सर आते थे आगे छुट्टी थी तो आगे Thank you.